हेलो माय माउंटली ट्विंस एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द पेरेंट्स। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अभी हम क्या सीख रहे हैं? इंसेक्ट्स, है ना? तो स्टोरी का नाम है द इंसेक्ट्स हैव अ पार्टी। तो ये कौन कौन से इंसेक्ट दिख रहे हैं? दिस इज बटरफ्लाई एंड दिस इज बी। ओके, सो अभी मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। वन डे अ बटरफ्लाई एंड अ हनी बी डिसाइडेड टू अरेंज अ पार्टी। अभी ये बटरफ्लाई और हनी बी ने दोनों ने डिसाइड किया एक पार्टी अरेंज करने का। हम भी पार्टी रखते हैं ना कभी घर में, हमारे सब फ्रेंड्स को बुलाते हैं, है ना? सेम ऐसे ही इन लोगों ने डिसाइड किया, लेट्स मीट ऑल अवर इंसेक्ट फ्रेंड्स। अभी इन्होंने क्या डिसाइड किया, चलो हम हमारे सब इंसेक्ट फ्रेंड्स से मिलते हैं। आई विल गो एंड इन्वाइट ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रास होपर। तो उन्होंने बोला कि हम जाके ड्रैगन फ्लाई और ग्रास होपर को इनवाइट करेंगे। यू कैन इनवाइट फायर फ्लाई, लेडी बग एंड बीटल, सेड द हनी बी टू द बटरफ्लाई। अभी ये हनी बी ने बटरफ्लाई से कहा कि मैं है ना ड्रैगन फ्लाई और ग्रास होपर को इनवाइट करूंगा, और तुम है ना फायर फ्लाई, लेडी बग एंड बीटल को इनवाइट करना। ठीक है, ऐसे दोनों ने डिसाइड किया। बट वेयर विल वी कीप द पार्टी, अभी आस्क्ड द हनी बी। अभी ये हनी बी ने बोला कि हम पार्टी कहाँ रखेंगे। लेट्स कॉल एवरीबडी इन दैट ओल्ड हाउस इन द फार्म, सेड द बटरफ्लाई पॉइंटिंग एट अ हाउस। अभी ये बटरफ्लाई ने रिप्लाई किया, लेट्स कॉल एवरीबडी इन दैट ओल्ड हाउस इन द फार्म। अभी फार्म में जो पुराना सा हाउस है ना, वहीं सब इंसेक्ट को हम बुला लेते हैं, और बटरफ्लाई ने पॉइंट आउट किया उस हाउस की तरफ। दे डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी इन द ओल्ड हाउस नियर द फार्म। अभी फार्म के नियर जो ओल्ड हाउस था ना, वहां पार्टी रखने का डिसाइड किया। द बटरफ्लाई एंड द हनी बी डेकोरेटेड द हाउस विद सम फ्लावर्स एंड लीव्स। दे ऑल्सो पुट अप स्मॉल लाइट्स विच लिट अप द प्लेस एंड मेड द हाउस लुक वेरी ब्यूटिफुल। अभी इन्होंने क्या किया, घर को डेकोरेट किया, उन्होंने लाइट जलाई, उन्होंने बलून्स रख, उन्होंने लीव्स रखे, फ्लावर्स रखे, और हाउस फिर लाइट की वजह से बहुत ब्यूटिफुल लग रहा था। द हनी बी वेंट शॉपिंग एंड बॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट। अभी ये जो हनी बी थी ना, वो शॉपिंग पे चली गई और बहुत सारी चीजें लेके आ गई, क्योंकि खाने के लिए उन्होंने पार्टी रखी थी ना, तो खाने की बहुत सारी चीजें लेके आ गई। देख लीजिए कितना प्यारा डेकोरेट किया हुआ है ना, फ्लावर्स एंड लीव्स, है ना? बहुत सुंदर लग रहा है ना डेकोरेशन। देखिए फ्लावर वास लगाया हुआ है, कितनी प्यारी सजावट की हुई है ना हनी बी और बटरफ्लाई ने। फिर वन बाय वन ऑल द इंसेक्ट्स केम टू द पार्टी। अभी वन बाय वन करके सब इंसेक्ट्स पार्टी में आ गए। द ग्रास होपर्स केम वेयरिंग देयर ब्यूटीफुल ग्रीन रोब्स। अभी ग्रास होपर का कलर ग्रीन होता है ना, उन्होंने अपने ग्रीन रोब्स पहन के आए वो। द लेडी बग वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल रेड ड्रेस। अभी लेडी बग रेड एंड ब्लैक होता है ना, तो उसने अपना रेड ड्रेस पहना विथ ब्लैक डॉट्स ऑन इट, है ना? द ड्रैगन फ्लाईज वोर ब्राइट पिंक गाउन्स विथ सिल्वरी व्हाइट स्टोल्स। द बीटल्स वोर शाइनी ब्लैक कोट्स। अभी बीटल ब्लैक कलर के होते हैं, उन्होंने शाइनी ब्लैक कोट्स पहने। द फायर फ्लाईज टू केम इन लुकिंग वेरी प्रिटी इन ऑरेंज एंड ब्लैक ड्रेस। अभी फायर फ्लाई का कलर कैसा होता है, वो भी ब्लैक होती है ना, और उसकी जो टेल होती है वो येलोइश होती है, गोल्डन जैसी। तो उन्होंने कैसा ड्रेस पहना था, ब्लैक कलर का और ऑरेंज। ठीक है, एवरीवन वाज लुकिंग वेरी प्रेटी। अब ये देख लीजिए ड्रैगन फ्लाई है ना, उसकी फोर विंग्स, उसने पिंक ड्रेस पहनी, ग्रास ओपन ने ग्रीन ड्रेस पहनी है, लेडी बग ने अपनी रेड ड्रेस पहनी है विथ ब्लैक डॉट्स, है ना? सब कितने सुंदर लग रहे हैं, सब अपनी अलग अलग ड्रेस में आए हैं, है ना? सडनली ऑल द लाइट्स वेंट ऑफ एंड नोबडी कुड सी एनीथिंग। अभी अचानक से पार्टी में क्या हुआ पता है,
लाइट चली गई और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुडंट सी एनीथिंग। ऑल द इंसेक्ट्स वेर स्कैर्ड, अभी तो सब इंसेक्ट डर गए। हाउ विल वी गो होम, सेड द ग्रास होपर, अभी ये जो ग्रास होपर था ना वो तो बहुत डर गया, उसने बोला कि मैं मेरे घर कैसे जाऊंगा। देख लीजिए लाइट चली गई, पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। डोंट वरी, वी आर फायर फ्लाइज, वी कैन हेल्प यू ऑल गो होम, जस्ट फॉलो द लाइट्स ऑन अवर टेल, सेड वन फायर फ्लाई। अभी ये क्या हुआ पता है, इतनी इतनी सी जो लाइट दिख रही है ना वो किसकी है, फायर फ्लाई की। उसने बोला डोंट वरी वी आर फायर फ्लाइज, हम फायर फ्लाई है, वी कैन हेल्प यू ऑल गो होम, अभी हम सब आपकी हेल्प करेंगे, आपको क्या करना है, हमारे पीछे पीछे आना है, जहाँ पे हमारी लाइट दिख रही है उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है, फॉलो द लाइट्स ऑन अवर टेल्स, हमारी टेल्स वाली लाइट को फॉलो कीजिएगा, ऐसे एक फायर फ्लाई ने बताया। सो द इंसेक्ट्स मेड फोर ग्रुप्स, अभी इंसेक्ट ने फोर ग्रुप्स बना लिए। वन फायर फ्लाई वेंट विद द ग्रुप ऑफ ग्रास होपर्स, अनदर फायर फ्लाई वेंट विद द लेडी बग, द थर्ड फायर फ्लाई वेंट विद द ग्रुप ऑफ बीटल्स, एंड द लास्ट फायर फ्लाई वेंट विद द ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज। Thus the fireflies helped all the insects reach their homes safely. अभी क्या हुआ पता है, firefly ने help की सबको, तो सबने तो firefly ने अलग अलग groups बना लिए। एक firefly ladybug के साथ गया, एक grasshopper के साथ गया, एक dragonfly के साथ गया, और ऐसे करके सबको अपने अपने घर पहुंचा दिया। तो सबने पार्टी भी एंजॉय की और सब अपने अपने घर सेफली पहुंच गए। तो कैसी लगी स्टोरी सब इंसेक्ट्स की, अच्छी लगी ना, मजा आया ना, और सब इंसेक्ट्स का इंट्रोडक्शन भी हो गया, उसमें सब अलग अलग इंसेक्ट्स आए हुए थे, है ना। और पार्टी किसने अरेंज की थी, बटरफ्लाई और हनी बी ने। ओके, थैंक यू।